Assalamu alaikum student, this is Mia Shansari. I'm your math teacher, as you know. Hope you all are good, healthy at your home. So today I'm introducing one more topic. Which one topic? You can look at the both. Okay, the topic is what is my name. So over here some digits are here, some numbers are here, you can give the name. But in just question number 6 or 7, which is from your book, page number 13. Abhi hum kaun sa page check kar rahe? Page number 13. उसका क्वेश्चन नंबर है 6 and 7. उसमें हमने क्या करना है, वी हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम द पेज 4, 5 and 6 वी हैव डन, और मे बी यस ऑफ कोर्स ऑन 10, 11 एज वेल. टेंस 100 वी हैव डन, वंस वी हैव डन. सो फ्रॉम दोज 3 वी नीड टू फॉलो द फॉर्मूला एज वेल. जो हमने वंस, टेंस में, 100 में करा था, जिस तरीके से हमने वैल्यूज पुट करी थी उसमें, वैसे ही हमने यहाँ करना है. वी हैव टू चेक द नंबर्स ओवर हेयर, हाउ मेनी नंबर्स आर हेयर एंड द क्वेश्चन एज वेल. यहाँ पर जो नंबर है और जो ये टर्टल बना हुआ है, ये आपसे क्या कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आपने नेम देना है. वॉट इज माई नेम, ही इज आस्किंग अबाउट हीज नेम. ये आपसे अपना नाम पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है. टर्टल इज नॉट आस्किंग, द नंबर्स आस्किंग, नंबर्स आर आस्किंग अबाउट देयर नेम. आपने नंबर्स को नेम देना है. सो नेम देना क्या होता है, इनवर्ड्स काउंटिंग. आपने इनवर्ड्स काउंटिंग करी है. सो इनवर्ड्स काउंटिंग क्या होती है, बेसिकली हम नंबर्स को, डिजिट्स को, आई वॉज टेलिंग यू दिस थिंग दैट हम नंबर्स को जब नेम देते हैं तो वो इनवर्ड्स काउंटिंग हो जाती है. ओके, सो हेयर वी हैव टू राइट दीज नंबर्स इन इनवर्ड्स. जब हम इनवर्ड्स में इसको लिख देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको इन नंबर्स को नेम मिल जाएगा. सो हेयर वी आर स्टार्टिंग आवर वर्क. लाइक ओवर हेयर 191, इट्स मीन्स 191. सो वी नीड टू राइट ओ एन ई वन, सपोज दिस वन. नाउ दिस वन इज द 100, सो वी नीड टू राइट 100 एज वेल. फाइन, 100, आफ्टर दैट 91, सो वी नीड टू राइट एंड 100 एंड एन आई एन ई टी वाई 91, वी नीड टू राइट ओ एन ई वन, लाइक दैट. अब जो ये नंबर्स थे, इनको क्या मिल गया, इनका नेम. इट्स मीन्स यू आर राइटिंग, यू आर गिविंग द आंसर्स इन इनवर्ड्स. आप इनके नेम किस सूरत में दे रहे हैं, डिजिट्स का आंसर डिजिट में ही नहीं दे रहे आप. इसको आप आंसर कैसे कर रहे हो, इनवर्ड्स में लिख रहे हो. इनवर्ड्स क्या होते हैं, नेम देना, किसी भी चीज़ को नाम दे देना. अगर आप इनवर्ड्स में कर रहे हैं, डिजिट्स को आप इनवर्ड्स में कर रहे हैं, तो वो इनवर्ड्स काउंटिंग ऐसे हो जाएगी. दिस इज द आंसर ऑफ दिस, 191 इज इक्वल टू 191, राइट. Now here one more example is here, like the number is 870, it means 870. So you need to write inwards counting over here, then the name will be here. Okay, आपने क्या करना है, इन numbers को again इसी तरीके से, first process की तरीके से आपने इन numbers को यहाँ पर inwards counting में लिखना है. Got it? So here I'm going to write 800. So you need to write 8 E I G H T, 8. Now write the spelling of 100, S-U-N-D-R-E-D, 100, and write and after that 70 is here. So you need to write the single word is S-E-V-E-N-T-Y, 70, 870. Got it? आपने क्या करना है, from page number 13, question number 6 and 7 जो आएगा, पेज नंबर 14 पर है क्वेश्चन नंबर 7, और फ्रॉम पेज नंबर 13 यू विल बी फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 6. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 and 7 यू नीड टू डू दिस वन प्रोसेस. ओके, यू नीड टू जस्ट कॉपी इट, यू नीड टू चेक जस्ट प्रीवियस पेजेस, लाइक टेंस, हंड्रेड, वंस में जैसे हम नंबर्स देते थे, हम बीट्स चेक करते थे और उसके अकॉर्डिंग नंबर्स लिखते थे, वैसे ही हमने यहाँ पे करना है. ऑलराइट, लाइक इफ सपोज 191 इज देयर, सो यू नीड टू राइट इनवर्ड्स काउंटिंग लाइक दैट. वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू ओवर हियर. यहाँ पे टीचर दे रही हैं आपको एक और एग्जांपल छोटी सी. इफ सपोज द टर्टल इज गिविंग वन मोर नंबर, विच वन, इफ ही इज सेइंग ही इज हैविंग 1, 2, 1, सो यू नीड टू राइट इनवर्ड्स काउंटिंग, यू नीड टू गिव द नेम ऑन इट. आपने इसको नेम देना है, तो आप नेम कैसे देंगे डिजिट्स को, इनवर्ड्स में देंगे. सो इट्स मीन्स इफ 1, 2, 1 इज हियर, सो इट्स मीन्स इट्स 100, यू नीड टू राइट 100 spelling. I know you all can do it. After that 21, so you need to write and 21. This is the full of answer.
अगर आपसे टर्टल एक और भी नंबर दे रहा है या कोई भी एक्स वाई जेड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पिक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, ये नंबर आपको एक और नंबर दे रहा है, सपोज 191 वाज देयर, सो वी हैव गिवन द नेम इन इनवर्ड्स, सो इफ सपोज द नंबर्स आर लाइक दैट 121, इट्स मींस दिस इज 121, सो वी हैव टू गिव द नेम लाइक दैट 100 121 21 21, गॉट इट? आप ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए ये वाला ही चीज़ें फॉलो करेंगे, लाइक 100 और टाइम्स में हम देते थे सारे इनको नेम्स, आपने ऐसे ही देने, ऑलराइट? सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ फ्रॉम पेज नंबर 14, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा 14 पर, बट वन मोर क्वेश्चन इज हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, नाउ राइट द नंबर, अब आपने इन इनवर्ड्स क्वेश्चंस को यहाँ पे देखना है और इनको आपने डिजिट्स में लिखना है, सपोज लाइक दैट, अगर हम कहें कि ये वाले को आपने इसमें लिखना है, सो ये यहाँ मौजूद है, अगर हम कहें ये वाले को आपने इसमें लिखना है, इट्स मीन्स डिजिट कन्वर्टेड इन इनवर्ड्स, और इट्स मीन्स इनवर्ड्स कन्वर्टेड इन डिजिट्स, सो यू नीड टू डू दिस वन वर्क इन दिस वे, ओके, इन दिस क्वेश्चन, नाउ राइट द नंबर, फर्स्टली रीड इट, क्वेश्चन नंबर 1, 924, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 924, नाउ यू नीड टू राइट द डिजिट्स, अब आप कैसे लिखेंगे, लुक 900, सो यू नीड टू राइट 9 एंड 24, सो यू नीड टू राइट 2 4, अब आपने इसको दे दिया ऐसा वाला आंसर डिजिट्स में, इन वर्ड्स यू कैन कन्वर्ट इट इन द नंबर्स, दे आर सेइंग नाउ राइट द नंबर्स, अब आपने इन वर्ड्स को इसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, 430, यू नीड टू राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, देन नेम विल बी देयर, ओके, 430, सो यू नीड टू राइट 4 बिकॉज इट वॉज द 130, सो यू नीड टू राइट 30, इट्स डन, गॉट इट? इन क्वेश्चन नंबर 6, 7 विच इज फ्रॉम बुक पेज नंबर 13, यू नीड टू गिव द नेम्स ऑन देम like that, okay, numbers are here on your book pages, you need to give the name in inwards counting, okay, after that question number 8 which is also from book page number 14, you need to do the work like that, it means inwards counting are there already, you need to just give the numbers according to that, aapne check karna hai ki wahan pe kaun si inwards counting hai, then you need to write the numbers over here, got it, just this one work you can do it, all right, with the proper thing means today is you, this one work you will do it, okay, in your copy with proper heading, with proper timing, and you need to, yes, one more thing, you need to complete your work on the spot, on the time, and you need to submit your copies on which date which we are giving you for submitting, all right, so today is 29, all right, the month is 7 and the year is 21 and the day is Thursday, all right, so you need to complete your work in proper way, mention the heading with the blue color, solve the questions with pencils, this is your book work, so over here you don't need to use blue color, you need to just use your pencil with proper things, you need to mention the date, and one more thing, online classes means O/C, fine, online classes you need to mention on your book page, on the corner side, on the top corner side, alright, so inshallah we will meet soon with our new topic, till then Allah Hafiz.